घुमारवीं कोविड केयर सेंटर में दाखिल कोरोना संक्रमण से लड़ रहे मरीजों को हर रोज संस्कार संस्था के द्वारा शाम 3 बजे आयुष काढ़ा बनाकर दिया जा रहा है। संस्था के संस्थापक व मुख्यमंत्री के OSD महेंद्र धर्मानी ने बताया कि इस महामारी के दौरान संस्था के सदस्यों द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि सभी कोरोना मरीजों को काढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगर किसी भी कोरोना के मरीज को कोई भी जरूरत पड़ती है तो उसे भी पूरा किया जा रहा है। सिविल अस्पताल घुमारवीं में बने कोविड वार्ड में दाखिल कोरोना पॉजिटिव मरीजों को संस्कार संस्था द्वारा 10 इलेक्ट्रिकल केटलियां भी दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में सभी सामाजिक संस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्था और भिन्न भिन्न संस्थाओं के लोग आज कोरोना महामारी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोरोना पीड़ित लोगों की मदद में आगे आए हैं। उसी कड़ी में घुमारवीं क्षेत्र के अंदर संस्कार सोसाइटी पिछले 12 वर्षों से अपनी सामाजिक गतिविधियां करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में घुमारवीं अस्पताल में कोविड सेंटर जो बना है, उस सेंटर पर जो रोगी हैं उनके लिए प्रतिदिन 3 बजे आयुष काढ़ा देने का निर्णय किया और आज संस्था के लोग उसको प्रतिदिन जाकर के रोगियों के बीच में वितरित करते हैं। मेरा सभी से निवेदन है, अपील है कि आज इस संकट की घड़ी में हम सब लोग अपने आस पड़ोस में जो लोग इस महामारी से पीड़ित हैं उनको सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको अगर किसी प्रकार की समस्या है तो समस्या में हम उनका सहयोग करें। हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आओ हम सब मिलकर के अपना अपना सहयोग इस पुण्य काम में दें। हमारी संस्था द्वारा जो लोग अस्पतालों में दाखिल हैं उनमें बड़ी आयु के लोग हैं और पीड़ित हैं, इसलिए उनको गर्म पानी की सुविधा उनको बेड के पास मिल सके, इसलिए हमारी संस्था ने घुमारवीं अस्पताल में कोविड पेशेंट के लिए 10 इलेक्ट्रिक केटल्स कल माननीय जो हमारे यहाँ के BMO हैं और SDMM के माध्यम से रोगियों तक पहुँचाई हैं ताकि उनको समय पर गर्म पानी की सुविधा प्राप्त हो सके। BMO घुमारवीं डॉक्टर अभिनीत शर्मा ने कहा कि संस्कार संस्था पिछले हफ्ते से हर रोज मरीजों को 3 बजे आयुष काढ़ा दे रही है। उन्होंने कहा कि इस काढ़े से भी मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है। संस्था द्वारा मरीजों व तीमारदारों के लिए काढ़े की व्यवस्था की गई है, वह एक सराहनीय कदम है। वह इसी संस्था द्वारा मरीजों के सुविधा के लिए जो इलेक्ट्रिक केटल दी गई है वह भी एक सराहनीय कदम है।